आईवीएफ की टेक्नोलॉजी आज काफी बदल चुकी है। आईवीएफ प्रोसीजर में अंडे बाहर खींचने के बाद तीसरे या पांचवें दिन हम एम्ब्रियोज वापस गर्भाशय में डालते थे। आजकल हम ये ज्यादातर नहीं करते हैं, ये फ्रेश ट्रांसफर से हम प्रिफर करते हैं कि ये जो एम्ब्रियोज है हम फ्रीज करके रखते हैं। इसकी इसका जो फायदा है कि जब भी हम फ्रीज करके अगले महीने में ये गर्भाशय में डालते हैं तो लाइनिंग जो आता है वो सही आता है। इसका कारण है कि आईवीएफ प्रोसीजर में जब भी हम हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं वो एक हार्मोन अंदर पैदा करते हैं जिसका नाम है एस्ट्राडियोल, और ये एस्ट्राडियोल वो लाइनिंग पे असर करता है और एम्ब्रियोस चिपकते नहीं हैं फ्रेश ट्रांसफर में जितने वो फ्रोजन ट्रांसफर में चिपकते हैं। तो इसीलिए आजकल हम सभी को एडवाइस करते हैं कि आईवीएफ प्रोसीजर करके अपने एम्ब्रियोस ठंडे करके रखें। अगले महीने या दो या तीन या चार महीने जब भी वो चाहते हैं वो वापस आ सकते हैं। जब भी वो वापस आते हैं तभी इंजेक्शन की जरूरी वापस नहीं है, सिर्फ एक सिंपल गोली देते हैं और ये गोली 10-15 दिन देने के बाद हम लाइनिंग चेक करते हैं यूट्रस का। जब भी ये लाइनिंग ट्रिपल लाइनिंग यानी तीन लाइन बनते हैं और 8 mm के ऊपर जाता है तभी हम ये ठंडे किए हुए जो एम्ब्रियोज है वो फ्रीजर से निकालते हैं, बाहर रखते हैं जिसे थॉइंग कहते हैं, और ये एम्ब्रियोज हम वापस वे गर्भाशय में डालते हैं। फ्रोजन ट्रांसफर का जो सक्सेस है वो फ्रेश ट्रांसफर से अधिक है।